हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के शुरू में मैं आपको फिर से वही 10 टीमें दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैच रहेगा जहाँ पे देख सकते हैं माल्टा, ECS माल्टा T10 की ये मैच है। दोस्तों सबसे पहले तो मैंने मैच को आपको हाईलाइट करके दिखा दिया है, कुछ ही घंटों बाद ये मैच है। इसकी 10 ड्रीम इलेवन की विनिंग टीम्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस पर हमें क्लिक कर लेनी है। ऑफ कोर्स आपने अब तक टीम नहीं बनाई तो नीचे क्रिएट अ टीम का ऑप्शन भी मिलता है, ऊपर माय टीम का ऑप्शन पर जाके भी आप क्रिएट अ टीम कर सकते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे जाके आपको मल्टीपल्स टीम बनाना थोड़ा आसान होता है। तो इसीलिए मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप माय टीम पर जाके टीम बनाएं, और आप मल्टीपल्स टीम बनाना चाहें तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो एक देख सकते हैं मैं ऑलरेडी वहाँ पर जाके 10 टीम्स बना के रख चुका हूँ, जिसे एक एक करके मैं सभी टीमें आपको रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, किस किस को लेना किस किस को नहीं लेना, कैप्टन वाइज कैप्टन कैसे बना सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ऑफकोर्स दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, माय टीम पर क्लिक करके पहली टीम मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, मैंने कुछ कुछ टीमों में ऐसे कुछ प्लेयर भी लिए हैं जो कि अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अभी तक उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा। इस टीम में मैं देखेंगे तो सबसे पहले सकलीना को इस टीम में ले रहा हूँ एज अ विकेट कीपर, उसके बाद एस टेंसलिस, MN मोहम्मद, M दास, तीन अच्छे बैट्समैन ले लिए मैंने जो कि बेस्ट है। उसके बाद बी जॉर्ज, ए शर्मा, M कामरान और जे मैथ्यूज, इस तरह से चार ऑलराउंडर मैं इस टीम में ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, आप ग्रैंड लीग जीत सके या फिर बड़ी लीग जीत सके या फिर कुछ अच्छा अर्न हो सके। उसके बाद गेंदबाजी की मैं बात करूँ तो पी घोष है, लतीफ़ है और उसके बाद सुकुमारन है, तो इस तरह से तीन गेंदबाज भी मेरे पास अच्छे खासे। तो यहाँ पर आप इन सब के साथ जाएंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अच्छी टीम तो बन ही चुकी है, लेकिन इसके लिए अच्छे कैप्टन और वाइस कैप्टन ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पर स्टेनलेस और M दास, ये दोनों ने अभी तक काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, तो इसीलिए इन दोनों के साथ जाना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। इतना ही कहूँगा, आप उल्टा करना चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब आप M दास को कैप्टन और स्टेनलेस को वाइस कैप्टन बनाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों बेस्ट है दोस्तों, और उल्टा करेंगे तो ज़्यादा फायदा होने के चांस है, क्योंकि स्टेनलेस पर ज़्यादा भरोसा किया है लोगों ने, लेकिन हम M दास को करते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा हो सकता है क्योंकि हमने उनको कैप्टन बनाया था। तो कुल मिला के अच्छी टीम है, ज़बरदस्त टीम है। ऑफकोर्स ग्रैंड लीग हो, बड़ी लीग हो, स्मॉल लीग हो, किसी भी लीग के लिए यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस टीम को क्लोज कर लेते हैं, दूसरी टीम देख लेते हैं। दूसरी टीम की बात करूँ तो दोस्तों इन्हें यहाँ पर कीपिंग में चेंज कर लिया यूनिस, जी दोस्तों इनका परफॉर्मेंस भी मतलब जितना उन्होंने किया उससे थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन ये बंदा काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलता है, तो मुझे लगता है इनको लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फिर भी अगर आप चेंज करना चाहें तो ज़रूर चेंज कर सकते हैं। फिर से टेनलेस को लूँगा, M मोहम्मद, मनु को इस टीम में लूँगा, ये भी अच्छे प्लेयर है, आप इनके साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर में जुबीर बी जॉर्ज और ए शर्मा फिर से यहाँ पर रहेंगे मेरे पास, जो कि बेस्ट है, और तीनों के तीनों ऑलराउंडर आपको काफ़ी फ़ायदा करा के दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मेरे पास और दो ऑलराउंडर्स है जो है कि कुमारन और मैथ्यूज, इनको भी मैंने इस टीम में रख लिया, मतलब पाँच ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ, और भी मजबूत टीम मैंने बना दी है। उसके बाद मेरे पास गेंदबाजी में ऑफकोर्स एक ही ऑप्शन है, तो वो मैंने पी घोष को ले लिया, क्योंकि ये भी काफ़ी बढ़िया बंदा है और अच्छे विकेट्स निकाल रहा है, अच्छे फॉर्म में, तो आप जरूर इनके साथ जा सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात यहाँ पर मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर देख सकते हैं बी जॉर्ज और ए शर्मा को लगाया है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेनलेस पर और दास पर भरोसा गया है लोगों का, उनको ही बनाया है, लेकिन हम अगर दूसरे कोई कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना तो हमें सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बी जॉर्ज को कैप्टन और ए शर्मा को वाइस कैप्टन बनाया। आप उल्टा करना चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, ए शर्मा को कैप्टन, बी जॉर्ज को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। कुल मिला के ये भी टीम अच्छी खासी है, तो आप ज़रूर इसे भी ग्रैंड लीग हो, बड़ी लीग हो, स्मॉल लीग हो, किसी भी लीग के लिए यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों ये भी टीम अच्छी खासी है। इससे पहले कि मैं अगली टीम बताऊँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है आपके एक एक लाइक से, काफ़ी मतलब अच्छा लगता है दोस्तों। तो चलिए इस टीम को भी क्लोज करते हैं, तीसरी टीम हमें देख लेनी है।
आखिर में मैं कुछ टिप्स भी आपको मतलब बताने वाला हूँ दोस्तों, तो ज़रूर पूरा अंत तक वीडियो देखें, अधूरा ना छोड़े। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर फिर से मैंने कीपिंग में चेंज कर लिया, तीन कीपर है दोस्तों, तीनों ने मतलब अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जितना एक ने किया है उनसे उतना ही दूसरों ने किया है, थोड़ा कम ज़्यादा है लेकिन प्लेयर तीनों अच्छे हैं। उसके बाद टेनलिस और एमदास, दो ही बैट्समैन यहाँ पर लूँगा ताकि मेरे पास ऑलराउंडर में छः ऑलराउंडर हो सके, बी जॉर्ज, ए शर्मा, कुमारन, जे मैथ्यूज, पी घोष, उसके बाद सागर और लतीफ, माफ कीजिएगा यहाँ पर चार ऑलराउंडर और चार गेंदबाज लिए हैं, तो तीन मैंने गेंदबाजों के नाम बताए आपको और उसके बाद सुकुमारन, इस तरह से मेरे पास देख सकते हैं चार ऑलराउंडर और चार गेंदबाज जी दोस्तों। तो कुल मिला के अच्छी खासी टीम बनाने की कोशिश की, थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, यहाँ पर बल्लेबाज सिर्फ दो है लेकिन गेंदबाज और ऑलराउंडर्स देखे तो आठ बन जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी टीम बन सकती है। और अच्छी टीम के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने फिर से बताऊँ तो एम दास को कैप्टन बना रहा हूँ और स्टेनलेस को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप सेम ही रखें, आप कुछ ना कुछ चेंज भी कर सकते हैं आपको अगर लगता है तो। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर भी अगर उल्टा करना चाहे तो उल्टा कर सकते हैं, स्टेनलेस को कैप्टन बना सकते हैं और दास को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, लेकिन उस वैसा हमने ऑलरेडी कर लिया है एक टीम में। तो ये टीम थोड़ी अलग और हटके है, तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए यूज़ करनी चाहिए, स्मॉल लीग के लिए ना ही यूज़ करें तो आपको बेटर होगा, थोड़ी अलग और हटके है तो अगर आपको लगता है कि अच्छी है स्मॉल लीग के लिए भी तो आप यूज़ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं और चौथी टीम हमें देख लेनी है दोस्तों। चौथी टीम की अगर बात करूँ तो मैंने फिर से सी यूनुस के ले लिए है, आप चाहे तो किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, स्टेनलेस को ले रहा हूँ, यू मोहम्मद, मनु और एमदास, इस तरह से चार बल्लेबाज मैंने वापस ले लिए है देख सकते हैं, क्योंकि हर टीम में मैं ऐसा नहीं करूँगा कि रिस्क लेने नहीं जाऊँगा कि बल्लेबाज कम रखूँगा या फिर कुछ, यहाँ पर ऑलराउंडर्स मैं कम रखूँगा, बी जॉर्ज और ए शर्मा दो ही ऑलराउंडर रखूँगा, ताकि दोस्तों मैं आपको एक बैलेंस टीम देता रहता हूँ, हर टीम में अगर देखेंगे तो बैलेंस टीम रहती है, साथ ही साथ दोस्तों हर एक वो ऑप्शन देने की कोशिश करता हूँ जिससे आप ग्रैंड लीग जीत सकें। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो एंटोनी, जेकब, पी घोष और लतीफ, इस तरह से चार गेंदबाज है और चारों बेस्ट गेंदबाज है, आप चारों के साथ जा सकते हैं। हाँ, जेकब का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस नहीं हुआ लेकिन प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, तो जेकब भी उनमें से एक है। ए शर्मा को कैप्टन और लतीफ को वाइस कैप्टन बनाऊंगा, थोड़े अलग भी मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हो सकता है ये दोनों भी कल अच्छा आज अच्छा परफॉर्मेंस कर दे और आपको ग्रैंड लीग जिता दे, तो मैंने थोड़ा सोच समझ कर लेकिन थोड़े अलग भी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए। आप ज़रूर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास चार बैट्समैन, चार गेंदबाज, दो ही ऑलराउंडर है, यहाँ पर आप कप्तान और वाइस कैप्टन अगर उल्टा करना चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं दोस्तों, मतलब कैप्टन को वाइस कैप्टन और वाइस कैप्टन को कैप्टन भी बना सकते हैं। कुल मिला के ये भी टीम इतनी बुरी नहीं है, मुझे लगता है कि ग्रैंड लीग हो, बड़ी लीग हो, स्मॉल लीग हो, किसी भी लीग के लिए अच्छी है, लेकिन स्मॉल लीग के लिए यूज़ करनी है नहीं करनी मैं आप पर छोड़ता हूँ, अगर आपको लगता है यूज़ करनी है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, नहीं करनी है तो ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं, पाँचवीं टीम हमें देख लेनी है। पांचवी टीम की बात करूँ तो एक और अलग हटके कॉम्बिनेशन लेकर आया हूँ मैं, ए जॉन और शकलीना दोनों को इस टीम में एक एज अ विकेट कीपर ले रहा हूँ, उसके बाद स्टेनलिस, मोहम्मद, मनु और दास, बैट्समैन मोस्टली चार यही है यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक मैंने जो भी यूज़ किए। यहाँ पर ऑलराउंडर्स में एन बाबू को ले लिया है, अभी तक इनको नहीं लिया था, जॉर्ज को ले रहे हो, ए शर्मा को ले रहा हूँ, एन बाबू का भी परफॉर्मेंस मतलब ठीक ठाक है लेकिन प्लेयर काफ़ी अच्छे, तो इसीलिए मैंने इस टीम में उनको ले लिया, लतीफ़ और पी घोष, इसके अलावा दो ही गेंदबाज मेरे पास रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारी पास दो ही ऑप्शन बचे थे तो इसीलिए मैंने इनको ले लिया। बात करें कैप्टन की तो ऑफकोर्स लतीफ़ को मैंने कैप्टन बनाया और मनु को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, थोड़ा रिस्की ज़रूर है लेकिन फ़ायदेमंद साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दोनों प्लेयर भी अच्छे हैं, ज़रूर आप दोनों के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पर उल्टा करना चाहे तो मतलब थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो जाएगा लेकिन आप चाहे तो कर सकते। कुल मिला के टीम ये भी अच्छी है लेकिन
फिर से कहूँगा ये टीम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड लीग के लिए सजेस्ट करूँगा, स्मॉल लीग के लिए यूज़ ना ही करें तो बेटर रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस टीम को भी क्लोज करते हैं और छठी टीम हमें देख लेनी है। अगर छठी टीम की बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पिछली टीम में अलग कॉम्बिनेशन लिया था, यहाँ पर यूनिस और सकलेना, मतलब ये दो भी मैंने यहाँ पर चूज कर लिए, मतलब ये दो भी अगर अच्छा करते हैं या फिर सिंगल सिंगल भी मैंने ले लिया, अगर सिंगल सिंगल भी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो दूसरी टीमों को फ़ायदा होगा, ये वो दोनों चलते तो उस टीम को फ़ायदा होगा, ये दोनों चलते तो इस टीम को फ़ायदा होगा, मतलब सभी वो ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्तों जो आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। स्टेनलेस, एम मोहम्मद, ओम दास, उसके बाद वी थुलिसिड, ये थोड़ा अलग नाम है, तो इनको भी मैंने ले लिया है। ये भी बंदा मतलब इतना भी बुरा नहीं कि आप इन पर भरोसा ही ना करें, परफॉर्मेंस इतना बुरा नहीं है अभी तक उनका, ठीक ठाक है, लेकिन उनको एक हाथ टीम में आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बी जॉर्ज और ए शर्मा, फिर से मेरे पास दो ही ऑलराउंडर है, जेकब घोष और जॉन, इस तरह से तीन गेंदबाज है मेरे पास। और सबसे अलग बात जो है इस टीम की, मैंने दोनों मतलब पी घोष को कैप्टन, जेकब को वाइस कैप्टन बनाया, हालांकि जेकब का परफॉर्मेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी आप अगर इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, प्लेयर अच्छे हैं, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा करा के दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मतलब ज़रूरी नहीं कि मेरा यह मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करें, आप ना भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों इस टीम में भी अगर अच्छी टीम है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं इस टीम को भी ग्रैंड लीग या बड़ी लीग के लिए सजेस्ट करूँगा, स्मॉल लीग के लिए आप यूज़ करें ना करें मैं आप पर छोड़ता हूँ। चलिए दोस्तों इस टीम को भी क्लोज करते हैं और सातवीं टीम हमें देख लेनी है दोस्तों। सातवीं टीम में देखिए दोस्तों, मैंने जॉन हो, यूनिस हो और शकलीदा, तो तीनों को साथ में ले लिया, हो सकता है आज तीनों अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए तो ये भी एक ऑप्शन लेना ज़रूरी है। मैं आपको 10 कॉम्बिनेशन इसीलिए देता हूँ दोस्तों क्योंकि मैं हर एक वो कॉम्बिनेशन आपको बता सकूँ जिससे आप ग्रैंड लीग जीत सकें, कितने यूज़ करने हैं कितने नहीं यूज़ करने हैं मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे टीमें मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। स्टेनलेस फिर से लूँगा, एन मोहम्मद लूँगा, एम दास लूँगा, बी जॉर्ज लूँगा, ए शर्मा लूँगा, मतलब पाँच बल्लेबाज इस टीम में मैंने ले लिए अगर आप देखेंगे तो। उसके बाद मेरे पास ऑफकोर्स तीन ही ऑप्शन बचे थे, तो मैं यहाँ पर जेकब को लूँगा, सागर को लूँगा, लतीफ़ को लूँगा। सागर को मैंने ज़्यादा जगह पे नहीं लिया, आप चाहे तो ज़्यादा जगह पे लेना तो ज़रूर ले सकते हैं। कुल मिला के ये भी टीम अच्छी खासी है और यहाँ पर मैंने कैप्टन एम मोहम्मद और लतीफ़ को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, दोनों बेस्ट है दोस्तों, आप दोनों के साथ जा सकते हैं, दोनों पर भरोसा कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं, फिर भी आप उल्टा भी करना चाहें तो यहाँ पर उल्टा भी कर सकते हैं, लतीफ़ को कैप्टन और एम मोहम्मद को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। ये टीम मुझे लगता है कि अच्छी है, ग्रैंड लीग हो, बड़ी लीग हो, स्मॉल लीग हो, तीनों के लिए यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। इस टीम को भी अभी क्लोज करते हैं और आठवीं टीम हमें देख लेनी है। अब आठवीं टीम में मैंने यहाँ पर फिर से इसी यूनिस और जॉन को लिया है, ये जोड़ी अभी तक मैंने नहीं ट्राई की थी तो ये भी जोड़ी मैं यहाँ पर ट्राई कर लूँगा। उसके बाद स्टेनलेस, मनु, एम दास और थुलिसिड, इस तरह से चार फिर से बैट्समैन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। और ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं ऐसे ही टीमें बनाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मुझे पता है कौन सा प्लेयर कितना अनुभवी, मतलब कितना कितना उसको अनुभव है, कितना वो खेला है, कौन से प्लेयर एक्सपीरियंस्ड यहाँ पर है, तो उनको मैं ले रहा हूँ और उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है फिर भी ले रहा हूँ, फिर भी अगर आप भरोसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, आप मतलब ना भी ट्राई करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टीम पे एम जुबीर, एन बाबू, जॉर्ज और अभिसी, इस तरह से चार ऑलराउंडर फिर से, लेकिन थोड़े अलग ऑलराउंडर है मैंने यहाँ पर लिए हुए। उसके बाद जॉन को मैंने इस टीम में रखा है एज अ गेंदबाज, बाकी किसी और को मैं नहीं रखूँगा क्योंकि चार ऑलराउंडर और चार बैट्समैन और दो कीपर ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास इतने ही ऑप्शन थे। यूनिस को कैप्टन और मनु को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा रिस्की है दोस्तों, लेकिन ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी करना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ यहाँ पर भी उल्टा करना चाहे तो कर सकते हैं, मनु को कैप्टन और यूनिस को वाइस कैप्टन, लेकिन
लेकिन यूनिस एज अ कैप्टन आपको डबल पॉइंट दे सकते हैं, मतलब कैप्टन मतलब बैटिंग तो करेंगे लेकिन साथ ही साथ स्टंपिंग रनआउट या कैचिंग के भी एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। लेकिन यहाँ पर कीपिंग के भरोसे पे मत जाइएगा, क्योंकि एक कीपर यहाँ पर जो ड्रॉप हुआ है उसने काफ़ी ज़बरदस्त खेला हुआ, लेकिन उसने 4 विकेट्स ली थी दोस्तों, मतलब वो गेंदबाजी भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी मतलब कुछ भी कर सकता है, तो यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए इस टीम को भी क्लोज करते हैं। 9वीं टीम हमें देखनी है, नवी टीम की बात करूँ तो फिर से सी यूनिस को ही लूँगा, बाकी किसी और को नहीं लूँगा। उसके बाद मनु, एम दास और थुविसल्ड, इस तरह से 3 ही बल्लेबाज रहेंगे। फिर बी जॉर्ज, ए शर्मा, कुमारन और मैथ्यू, 4 ज़बरदस्त ऑलराउंडर फिर से आ चुके हैं मेरे पास। जेकब, लतीफ, सुकुमारन 3 गेंदबाज हैं अच्छे खासे, तो टीम भी इतनी ये भी बुरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं इस टीम का कैप्टन मैथ्यू जे मैथ्यूज को बना रहा हूँ, तो वाइस कैप्टन सी यूनिस को बना रहा हूँ। ये मतलब अभी तक परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही कहूँगा इन दोनों का, तो आप ज़रूर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ना भी बनाना चाहे तो ना भी बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उल्टा भी करना चाहे तो उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ्यूज एज ए ऑलराउंडर है, तो इसीलिए इनको ही कैप्टन रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा सी यूनिस से, क्योंकि ऑलराउंडर बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है, तो ज़्यादा पॉइंट हमें मिलने के चांसेस रहेंगे। कुल मिला के ये टीम आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग या बड़ी लीग के लिए सजेस्ट करूँगा, स्मॉल लीग के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इसे स्मॉल लीग के लिए भी यूज करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह नहीं है। इस टीम को भी क्लोज करते हैं। 10वीं और आखिरी टीम हमें देख लेनी है। 10वीं और आखिरी टीम की बात करूँ तो सकलीना को इस टीम में रखूँगा एज अ कीपर, उसके बाद स्टेनलेस, एमदास और थुविसल्ड, फिर से तीनों यही बैट्समैन मेरे पास है, 3 हैं लेकिन इस बार ऑलराउंडर में जुबीर, बाबू, जॉर्ज और अब्बीसी, तो इस तरह से 4 यहाँ पर ऑलराउंडर मेरे पास रहने वाले जो कि बेस्ट है, पी घोष, जॉन और सुकुमारन, इस तरह से 3 गेंदबाजों को मैंने इस टीम में लिया है, जो कि ये भी अच्छे खासे हैं, ज़रूर आप इनके साथ जा सकते हैं। जुबीर को कैप्टन और जॉन को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ दोस्तों, आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं हर टीम में आपको अलग कैप्टन वाइस कैप्टन दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ कैप्टन वाइस कैप्टन को आप डबल कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। मतलब अब मैं आपको एक उदाहरण देके जरूर बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिलहाल लिखाऊंगा इस टीम में आप उल्टा भी करना चाहें तो कर सकते हैं, जॉन को कैप्टन और जुबीर को वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं, लेकिन जुबीर को इसीलिए रहने दीजिए क्योंकि ऑलराउंडर है, डबल पॉइंट आपको दे सकते हैं। तो मैं आपको जैसे कि एक बता देता हूँ कि क्या मैंने कहना चाह रहा था। सबसे पहले एक टिप देना चाहूँगा दोस्तों, आप मेरे इन सभी टीमों को लगाने से पहले एक या 2 चेंजेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर बंदा अगर सेम टीम लगाएगा हर कोई तो जीत नहीं सकता, लेकिन अगर आप एक खाद चेंज करके लगाते हैं तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वही बंदा अगर अच्छा पड़ जाता है तो और भी आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है, और दूसरा सेम टीम यूज़ करता है तो आपकी और उसकी टीम अलग पड़ती है तो आपके जीतने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। चलिए दूसरी टिप मैं आपको जो बोल रहा था वो बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप मैंने देखा है कि शुरुआत में मैंने किसको स्टेनलेस को कैप्टन बनाया है और एमदास को वाइस कैप्टन बनाया है, अगर आप यही मतलब कैप्टन किसी और टीम में यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, आप स्टेनलेस को कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं, फिर से कैप्टन बना सकते हैं, एमदास को भी कहीं ना कहीं और कैप्टन बना सकते हैं और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने जैसे कि दिया है वैसा ही यूज़ करना है, क्योंकि मैंने थोड़े आज रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन भी दिए, तो इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो आई होप आप सबको मेरी बातें भी समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आएगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, और साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे जाके उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ताकि कुछ भी चेंजेस रहते तो बता सको किसे ड्रॉप किया गया, उसकी जगह पर किसको लिया गया। साथ ही साथ टेलीग्राम के लिंक पर मैं और कुछ और टीमों के स्क्रीनशॉट शेयर करने की कोशिश करूँगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।